नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल धनराज स्टडी सर्कल। गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था कि ओपन बुक एग्जाम 2020 जो कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में हो रहा है यूजी पीजी फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, वो अपनी कॉपियाँ कैसे बनाए, इससे लेकर स्टूडेंट को बहुत सारी क्यूरी थी जिसको मैंने फाइनली बनाया। और उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट इस चीज़ को लेकर थे कि सर पेजेस कितने रखने हैं, फ्रंट पेज का सर प्रिंट हमको मिल जाएगा क्या। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक तो उस वीडियो का ये आप Q&A कह सकते हैं या उस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन जो कि मुझे लास्ट वीडियो में बच्चों ने शेयर किए हैं उन्हीं के रिगार्डिंग ये उसका एक्सटेंशन है। मैं आपको ये जो मैंने पेज टाइप किया हुआ है और इसको मैंने क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो पेज अपलोड किया वो बाय डिफॉल्ट गलती से या जो भी है वो एक्चुअली प्रिंट कराते टाइम बहुत ही ब्लैक आ रहा है तो बच्चे परेशान हैं। तो कोई बात नहीं गाइस, ये पेज बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। आपको ये पेज मैं आज फिल करके भी दिखाऊंगा, साथ में आपकी वो क्यूरीज मैं सॉल्व कर देता हूँ सबसे पहले जो बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही है। यार सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी कॉपी, अगर आपको ये पेज है, मान लीजिए अज्यूम कि ये आपका एक कॉपी का A4 साइज का पेज है, ठीक है, जो कि मैंने बनाया, ये A4 साइज पेज है, ठीक है। पहली चीज सर, ये A4 साइज पेज हम क्या ब्लैंक रूल पेपर लगा सकते हैं क्या, या ब्लैंक लगाना है, या मतलब क्या करना है? तो भाई आप सबसे अच्छा काम है एक रजिस्टर जो मैंने वीडियो में बताया था A4 साइज का रजिस्टर लीजिए, उससे पेज निकाल लीजिए। सर कितने पेज निकाले? अब आपको मैं बता देता हूँ कंप्लीट तरीका जो कॉपी बनाने का है, अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को अंत तक देखना और आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ, ठीक है, या एक आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया चीज भी दूंगा इस बार जो कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। और इसके लिए आपने जो अपना प्यार दिया इसके लिए थैंक यू, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि 15 सितंबर तक 16 सितंबर तक आपकी कॉपियां सबमिट करनी है। तब तक आपको जो भी समस्या आएंगी उनके लिए मैं वीडियो यहां पर बना रहा हूं और बनाता रहूंगा। आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी यहां पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये A4 साइज का पेज है सर, अगर ये फ्रंट में हमको दिख रहा है तो ये सिंगल पेज है। ऐसे आपको एक तो हो गया, ये हो गया, मैं मान लेता हूं ये हो गया हमारा फ्रंट पेज जिसको मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन भी करने वाला हूं दोबारा से। दूसरी चीज, वैसे ही आपको और क्या करना है, पूरा बिल्कुल कॉपी की तरह बता रहा हूं। इसमें कितने पेज होंगे? एक फ्रंट में हो गया, एक इसके बैक में होगा, तो कितने पेज हो गए? दो। तो यहां पर कितने पेजेस कवर हो गए गाइस? 2 पेजेस। अब आप क्या करिए, 15 पेजेस और निकाल लीजिए अपनी कॉपी में, रजिस्टर में 15 पेजेस निकाल लेंगे तो 15 मल्टीप्लाई विद 2 कितने हो जाएंगे बोलिए? 30 पेजेस। ये मैक्सिमम लिमिट है, इनको यहां पर आप ऐड कर दीजिए 30 पेजेस को। अब बताइए टोटल पेजेस कितने हो गए? इज इक्वल टू 32 पेजेस। आज तक आपको 32 पेजेस की कॉपी ही तो मिली है, लेकिन आप लिखते कितने पेज में थे? 15 पेजेस में, आगे पीछे करके 32 पेज में लिखते थे आप, वैसे ही लिखना है। नंबरिंग इसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूं, लास्ट पेज में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, मैंने पेज पर नंबरिंग 1 से कर दी थी, जबकि फ्रंट पेज को 1, उसके बैक को 2 और थर्ड पेज से हमको लिखना शुरू करना है। तो जहां से लिखना है वहां से नंबरिंग आप शुरू करेंगे थर्ड पेज से, और आप लिखेंगे कितने पेजेस में? 30 पेजेस में लिखेंगे। टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे इंक्लूडिंग फ्रंट पेज? फ्रंट पेज के 2 और 30 पेजेस में आपने लिखा तो 32। सर क्या एक पेज और लगा सकते हैं? भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आज हर कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है, वही लिखना है जितना रिलायबल है, जितना क्वेश्चंस का आंसर है उतना ही लिखिए। 250 वर्ड में आपको क्वेश्चंस आंसर करना है और वो आपको पेपर में मिल जाएगा। अब सर इन 32 पेजेस की कॉपी को स्टैपल करना है 3 जगह, ठीक है। दूसरी चीज, कैसे मोड़ना है ये मैंने वीडियो में बताया था और एक फ्रेश वीडियो बनाने वाला हूं इसके बारे में, जो भी कमियां रह गई थी वो इसमें मैं पूरी कमियां आपकी पूरी कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा 32 पेजेस आगे पीछे करके, ठीक है, ये मैं कमेंट कर करके थक गया, आगे पीछे करके कितने पेज होने चाहिए करके टोटल 32 पेज होने चाहिए। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते इसलिए डाउट भी रह जाते हैं बहुत सारे, होने चाहिए इंक्लूडिंग फ्रंट पेज। ये मैंने मैक्सिमम कमेंट किए इससे रिलेटेड, इंक्लूडिंग फ्रंट पेज। तो ये तो हो गई आपकी कॉपी की समस्या दूर। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर अगेन कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सर फ्रंट पेज कैसे भरना है। अगर वहां पर किसी को क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। दूसरी चीज,
आप ये भी ध्यान रखें कि ये जो पेज है, ये पेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहां से आप देख सकते हैं कॉपी कैसे बनानी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, SIS अगर आपने नहीं किया है तो SIS जरूर कर लें, क्योंकि SIS के बगैर पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन पेपर SIS के थ्रू, एडमिट कार्ड SIS के थ्रू ही मिलेगा। SIS कैसे बनाना है इसके लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए, अब कॉपी कैसे फिल करनी है, ये फ्रंट पेज कैसे फिल करना है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रोल नंबर जो भी है आपका गाइस, वॉट एवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर हम 4 कर देते हैं। शब्दों में भी इसको लिखना है, ठीक है सर, बहुत कम जगह दी है यार, आराम से लिखना बन जाएगा। और ऐसा लगे तो थोड़ा सा आप इसको छोटा छोटा करके 2 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहां से लिख सकते हैं 1 2, आ जाएगा आपका, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 4, एनरोलमेंट नंबर, सर एनरोलमेंट नंबर, बिल्कुल एनरोलमेंट नंबर आपके पास एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, जो भी एडमिट कार्ड पे लिखा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। नियमित, यहां पर किसी बच्चे ने पूछा था, अगर कोई इंग्लिश मीडियम के तो रेगुलर और प्राइवेट, ठीक है, आप जैसे भी दे रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे। कक्षा आपकी जो भी है, ये बी केयरफुल, यहां पर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीए, जो भी सेमेस्टर है, जैसे कि 6th सेमेस्टर आपके यही होंगे, या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी ईयर वाइज तो है नहीं, जो भी है, जो भी रहेगा फाइनल ईयर आप लिख सकते हैं। अब अगर आप पीजी के हैं तो एम कॉम, एमएससी, एमए, बीएड, एमएड, जो भी है 4th सेम, ये आप यहां पे लिख सकते हैं, ये आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। विषय, सर विषय हमारा जो भी होगा भाई, आपका विषय जो भी है, अकाउंटेंसी है या आपका जो भी सब्जेक्ट है, वॉट एवर, अकाउंटेंसी है, इको है, ठीक है, या फिर सोशियोलॉजी है, सोशल साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है आप वॉट एवर आप यहाँ पे डालेंगे। प्रश्न पत्र का कोड आपको मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड में, जो पेपर आप दे रहे हैं, जो पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं उसका कोड लिख देना आप यहाँ पर। प्रश्न पत्र संख्या कभी फर्स्ट होता है, कभी सेकंड होता है, एक ही में जैसे केमिस्ट्री वगैरह में होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी पेपर नंबर है। प्रश्न पत्र का शीर्षक जो है, शीर्षक में आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जनरली इसमें सब्जेक्ट ही आता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जहां तक मैंने पेपर दिए हैं तो शीर्षक में वो लोग बोलते हैं यही लिख दीजिए, अकाउंटेंसी 103, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पेपर के कोड के साथ। इंपॉर्टेंट चीज, प्रश्न पत्र प्राप्ति की तिथि, सर हमने डाउनलोड किया, यूनिवर्सिटी ने तो अपलोड कर दिया, यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया 10 सितंबर को, लेकिन हमने सर डाउनलोड किया 12 सितंबर को, तो कौन सी डेट डालें भाई, आप 10 ही डालना, यूनिवर्सिटी ये मान के चल रही है कि हम जैसे ही अपलोड करेंगे बच्चा उसी दिन डाउनलोड कर लेगा, तो आप उसी दिन आपको पेपर मिल रहा है वो डेट लिखिए। पेपर आपको ऑल पेपर इसी डेट को मिल जाएंगे, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारे पेपर एक साथ अपलोड होंगे। सर फिर तो हमारे पास बहुत टाइम है, यस बहुत टाइम है आपके पास, ये क्यों सोच रहे हो 3 घंटे में ही करना है, आपके पास 24 घंटे भाई, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स हैं, जब मन करे लिखना, सारे के सारे पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ, और एक साथ ही जमा होंगे। उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि, अब आप 15 और 16, जैसे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 15 सितंबर और 16 सितंबर दो ऐसे डेट हैं जिस दिन वो जमा होंगे, 15 सितंबर और 16 सितंबर 2020, 2 दिन आपका पेपर जमा होना है। कहां जमा होगा सर, कलेक्शन सेंटर। सर ये कलेक्शन सेंटर क्या है, यूनिवर्सिटी इसकी लिस्ट जारी करेगी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, नहीं देखा हो तो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सर हम तो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ एमपी है सर हम, आउट ऑफ एमपी, बहुत कमेंट आए, कोई बात नहीं, आउट ऑफ एमपी हो ना, 16 सितंबर 2020 तक स्पीड पोस्ट कर देना। सर इसके बाद चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्पीड पोस्ट सर कहां करना है, जो आपका महाविद्यालय होगा, जहां पर आपने कलेक्शन सेंटर बनाया गया आपके कॉलेज का, उसमें आप उसके एड्रेस पर उसकी लिस्ट भी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जारी करेगी, और हर यूनिवर्सिटी ने जारी, कुछ ने कर भी दिया है, विक्रम यूनिवर्सिटी वगैरह, और ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी एक यूनिवर्सिटी के नहीं, लिए नहीं है। कुल प्रश्न संख्या, ये जो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मान के चलो आपने 14 पेज लगाए सिंगल सिंगल साइड, तो 28 हो गए, तो कितने हो गए एक फ्रंट, तो 30 पेजेस, आप जितने लिखना चाहें 30, लेकिन मैक्सिमम 32 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सर अगर हम लोग यहां पर 20 लिखेंगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा, मैं अभी आपको बता चुका हूं, आपने 10 पेजेस लिए उठाए, 10 पेजेस उठाए और एक पेज के दो कर लीजिए तो कितने हो गए 20 हो गए, और फ्रंट पेज के दो हो गए तो कितने पेज लिख दोगे आप 22, इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो भी आपको लिखना है, बट 32 इज द मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा नहीं होंगे। परीक्षक के हस्ताक्षर की जगह हस्ताक्षर मत कर देना, यहां वो बंदा साइन करेगा जब आप कॉपी जमा करने जाओगे,
तो वो बंदा साइन करेगा जिसके यहाँ पर आप कॉपी जमा करने जाओगे, वो आपकी कॉपी चेक करने के बाद यहाँ पर साइन करेगा। आपके साइन यहाँ पर होने वाले हैं और यहाँ पर आप साइन करिए। दूसरी चीज, ये आपका डिक्लेरेशन है कि आपकी राइटिंग होना चाहिए। एक कमेंट आया था, सर कोई और कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, जिसको एग्जाम देना है सिर्फ उसी के साइन होंगे। इस पर आप हाथ भी मत लगाना, केवल परीक्षा के लिए है, ठीक है? आप यहां पर कोई साइन आपको नहीं करने, यहां पर कोई साइन नहीं करने आपको, ये उनके लिए। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कोई अगर डाउट है फर्दर तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है? व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूं कि ये जो पेज मैंने बनाया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ड्राइव लिंक मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करें, प्रिंट करवा लें। सर प्रिंट कितने करवाएं? हर कॉपी पे एक एक लगेगा, हर कॉपी पे एक लगेगा। अगर आपके 6 पेपर होने वाले हैं तो मैं कहता हूं 10 निकलवा लीजिए, किसी में गलती हो जाएगी तो उसको फिर वाइटनर लगाने की कोशिश मत करना, आप दूसरा पेज लगा देना। दूसरी चीज, इसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। और अगर फिर भी मुझे आपको कोई डाउट आते है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9713341988। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप इस पर डिमांड कर सकते हैं, मैं इस पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और प्लीज हो सके तो कॉल अवॉइड करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, मैं और भी सब्जेक्ट यहां पर मैं क्लास लेता हूं, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ कॉमर्स की क्लासेस ली जाती हैं। और आप चाहें तो हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, हमारे वीडियो को अपने स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। और इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको यहां पर इसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा। फॉर पीडीएफ आप मुझे सिंपली मैसेज करिए, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहां से पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, यूजी पीजी स्टूडेंट। वो एम कॉम के हो सकते हैं, बी कॉम के हो सकते हैं, बी एड के हो सकते हैं, एम एड के हो सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है? बीएससी, बी कॉम, और हर यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इक्वल अगर किसी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डीएबीबी के लिए बना दीजिए, तो गाइस मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज आप इसको हूबहू प्रिंट करवा कर ऊपर आप यहां पर नाम एडिट करवा सकते हैं या आप इसको टाइप कर सकते हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको दे देती है तो फिर बहुत अच्छी बात है। बरकतुल्ला ने थोड़ा ब्लैक पेज दिया था तो हमने उसको एडिट कर दिया है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, पलते रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।